घर में मेहमान आए थे, सासू माँ चली गई रिश्तेदारी में और अब मेहमान चले गए आ गई हैं। चीज इन्होंने इतना मतलब सरप्राइज दिया मुझे, मुझे पता भी नहीं था ये लोग आ रहे हैं। वो मिठा छे कौन है रे होय ये रोटी और क्या कसमन है केक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको खुद काटेगी। देख आमा गिंजा पंचावन प्रास लग रो गैस में ही ना टा रहा है। कुम मामू अब तो मैं बाप और मामू को कुम ना बोला। अबे मामी सत्यम न मामी जय भक्ते बाजे बाजे स्तिवा। हमारी बन गई है सुबह सुबह की चाय, आमा ने तो पी भी लिया है। मेरी देर लग जाती है चाय पीने में और आमा ने देखो चौन प्रास खाया होगा ना, सब गिंजापन लग रहा है। देख आमा गिंजा पंचावन प्रास लग रो वो गैस में ही ना टा रहा है। आमा दिन भर चौन प्रास खा रही है आजकल। मम्मी भी आ गई है चाय का ग्लास लेके और देखो कितने कंटरों के ऊपर बैठी है। तू ना बता कह रही है संक्रांत कौन हो संक्रांत को अगले साल ही के बाटा थे कोप है कोई ही चिंता ना रहे ओ हिटन तो रियानो। मैंने आमा को 25 बार बता दिया कल, दिन भर 3-4 बार बताया, कितनी बार बता दिया फिर भी आमा भूल जा रही है। अब मैं आमा से कह रही हूँ अगले साल है, अब याद रहेगा आमा को। ए बंदर सुबह सुबह टिक्का विक्का लगा के आ गई है। तो नहा धो लिया है और थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप भी कर लिया है, काजल लिपस्टिक वगैरह। अभी तक मम्मी जी तो आई नहीं है जंगल से। दिन के बज गए 12। अभी ना लंच बनाने का टाइम आ गया। आज हमने सुबह खा लिया था, मतलब सुबह रोटी खाई थी, अभी चावल खाने हैं। तो चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, उसमें ना मैं सिर्फ और सिर्फ आज बड़ी की दाल खाना चाहती हूँ। तो मैं बनाऊँगी बड़ी की दाल मैं बनाऊँगी, चावल मम्मी अपने आप बनाएंगी। तो बंद हो जा सिम, चलो बनाते हैं। तो इसको मैं भिगा देती हूँ, ये ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं डेली इसको खाने के लिए तैयार हूँ। मतलब इससे ज़्यादा अच्छा, दाल से ज़्यादा अच्छा होता है ये। अगर आप लोग भी बनाते हैं तो बताना मुझे, और रुको और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताना। हम लोग तो भिगाते हैं, पहले हल्का सा भीग जाए फिर घी में फ्राई करके बनाते हैं। चलो बनाती हूँ। मेरे तो ना अभी तक इतने सारे कपड़े भी धोने बाकी हैं, ये भी धोने हैं, और यहाँ पे पहले कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मतलब चाय रख लेती हूँ और फिर कपड़े धोने की तैयारियाँ करती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ। तो मैंने ना माज में घी डाल दिया है और मैं ना ये जो बड़े मैंने भिगा रखे हैं मैं इनको फ्राई करती हूँ एक एक करके। बड़ी फ्राई हो गई है, ऐसे बनाओगे ना उंगलियाँ चाटते रहोगे, बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। ये देखो अच्छे से इनको ब्राउन होने दूंगी। इसमें ना मैंने बेसन का बेसवार डाला है और इसकी जो ग्रेवी है ओनली टमाटर की है, और मैंने इसमें ना जो हमारे बड़े थे हमने फ्राई किए थे वो भी डाल दिए। काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, एकदम मसाले भुन रहे हैं, धनिया की खुशबू आ रही है, धनिया के गुदे डाले हैं। फिर से हमारे घर में आई ये मेहमान। दादी दादी पहचानो कोई भाई। अरे मौसी मैट बटे मेरे बहन कब कब से आ रहे भैया पचेट है भैया ले आ रहो भैया ले आ रहो अरे आ रहे ये के मखावे ठीक ना और एक मेरे बहन चल लटा कौन हूं तू ये बहन चल मेरे और एक भाई चल मैं बन के ना पहचान रही है मैं को बोल सक ना हूं ना मैं ना पहचान रहा हूं इसके। अच्छा अरे अब हम खा लेते हैं, हमने आज बड़ी का साग और भात बनाया है। तो ये लोग ना इसने तो खाया नहीं दिव्या ने और उच्ची और नीरज दिखाया, यही ठहरा इनका ये लड़ाई। और ये लोग ना अपने साथ क्या लेके आए, एक चीज इन्होंने इतना मतलब सरप्राइज दिया मुझे, मुझे पता भी नहीं था ये लोग आ रहे हैं, और वो वहां पे बैठ के ऐसा मुंह बना रहा है देखो। ये लोग अपने साथ लेके आए, नीरज वो दे पास कर अन्नू नहीं। अब मुझे ये बताना ये प्लान किसका था ये ले जाने का। तो आज ना बर्थडे है और ना एनिवर्सरी है ना कुछ है, लेकिन केक आया है घर में, सेलिब्रेशन कर लेते हैं केक आने की खुशी में। अन्नू के नाम का आया है इसमें, फॉर अनाया लिख रखा है,
तो अनु के बर्थडे का है क्या? है पोस्ट बर्थडे है? किसका प्लान था ये? तेरा बहुत है, तेरा भी। तो एक तो इसका प्लान था, ज्यादा मेरा था, और इसका पता नहीं, मतलब ये वाला प्लान मेरे समझ में नहीं आया। खरीदा तो पर ठीक है, केक ला रहे हैं, काट लेते हैं। चलो हमें क्या, अच्छे से केक मिल गया। नीरज कह रहा है आज तुझे फ्री में इतनी सारी चीजें मिल गई हैं बिना कुछ करे, तो थैंक यू इसके लिए। थैंक यू मेरी भाई बहनों को केक लाने के लिए। अब आपको भी दिखा देती हूँ, केक के दर्शन करा देती हूँ। कौन भाई? ये देखो, अनाया का बच्चे ले तो अनाया इसमें हाथ मार दे। ले पकड़। हैप्पी बर्थडे टू यू अनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। चाकू नहीं लाए थे इसी पे तो था यार, लकड़ी का चाकू था। नीरज हैप्पी बर्थडे टू यू। सेम टू यू। थैंक यू दिव्या, हैप्पी बर्थडे। कौन काटेगा इसको? जिसका नाम है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सेम टू यू। अन्नू हैप्पी बर्थडे। क्या था कोई? अन्नू काटेगा कौन इसको? अन्नू हैप्पी बर्थडे। मैं काट लूंगी यार। जितना केक आगे आगे को बढ़ रहा है अन्नू उतना आगे आगे को भाग रही है। चलो काटी कर, ऐसे पकड़ ऐसे। हां अब काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं काट ना इस कार में। काट दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको खुद काटेगी। वो आएगा क्या? ऐ कर रहा है अनु। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पोस्ट बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ डिस्पोजल वाली प्लेट लिया। छिगालो मत लगा। नहीं बाबू रुक जा। क्या है रे, मैं तो कुछ करने नहीं दूंगी। रुचि मत लगाना, अच्छी धोने जाना पड़ेगा। क्यों लगा रही है? सुंदर सी बाऊ। ये मौला अब ऐसे काट देते हैं इसको। चार पीस ले आएंगे। चार पीस। हाँ चार पीस। बढ़िया बढ़िया। बेटा टाटी जाले। चार टाटी ले इतनी तो। वाला कौन खाएगा? इस पे वो करेगा क्या? फूल वाला काटने के लिए अनु ले, तू भी काट। ला खाते ला, बस हो गया। मेरा फेवरेट है यार। ले आकर, चल हो गया बस। चलो चलो यहाँ बैठो आप। तो आमा के हिस्से का भी देखे आते हैं। अब आमा खाती है कि नहीं पता नहीं। आमा तो यहाँ है ही नहीं। केक है? तो आमा को भी दे दिया है और मम्मी की तो खाती नहीं है, बाकी का अब हम ही खा लेते हैं। ये लोग को दे दिया मैंने। केक के चार हिस्से किए थे, दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस लोग कैसा हो रहा है मेरा लाया हुआ केक। ऑसम है मेरा लाया हुआ और मेरा फेवरेट है। इसका फेवरेट है। तेरा फेवरेट है कि नहीं? अनु तुझे कैसा लगा? कैसा है? कैसा लगा? खावल उसको। यम्मी बोल। मैं नहीं खाती हूँ। मैं नहीं। बुआ की बेटी लेके आई है गिफ्ट, अनाया की मौसी और मेरी बहन। चलो मैं ना इसको खोलना चाहती हूँ। खोल दूँ? और वही वीडियो भी शूट कर लिया। मतलब कुल मिला के इन्होंने अनाया का बर्थडे 7 दिसंबर को होता है इनने मनाया। आज कितना तारीख है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को मुद्दे है आज। युवा दिवस है आज। वाह ओ वाह, यहाँ तो टोपी भी लाई है। ये तो बचपन में मुझे पसंद था। ये लेके आई किचन सेट। ये देखो एग कैप। छोटी है रे। चुप कर यार। हाँ छोटी है, छोटी है। एक तो अम्मा जस सच चिच्ची तो जाए नहीं। चल चेंज करा लेंगे फिर, जरूरी थोड़ी है। ये तो चंपा तो आने तक तो इनकी चलो चलो हो जाती है। तैयार हो गए हैं तो विदा कर देते हैं। ये देखो इसका तो मुंह में मास्क लगा ठहरा हर टाइम। फिर कब आएगी? जल्दी। रुचि तू? जल्दी आऊंगी। कल को। और भाई तो यहीं रहने वाला था लेकिन कहाँ है ले जा।
तो भाई बहन लोग तो चले गए हैं, बाजार हो देख के ला बाजार मधुबुआ रो घर बधाई दिन के क्या बधाई दिन मधुबुआ रो घर बुआई जो अरे आया रे बिलाल को अभी अब मैं आमा के साथ थोड़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाती हूँ। मेरी बेटी ना चलने लग गई और आज ना हमारे पूरे बाड़ में कपड़े कपड़े हो रहे हैं। पहले तो मैं सारे कपड़े उठाती हूँ, उसके बाद सब फोल्ड करके रखने पड़ेंगे। आमा को फिर पछतावा भी होता है, आमा यहाँ थी नहीं, वो चले गए। तो यहाँ पे बैठ के अपनी सासू माँ की मतलब सासू माँ का वेट भी कर रहे हैं और साथ में ना जाती हुई धूप का आनंद भी ले रहे हैं और उसी के साथ हम संतरे का सेवन करेंगे। ये मैं अपने मायके से लेके आई हूँ, तो उस दिन से ना आज निकाल रही हूँ मैं इनको खाने के लिए। खाते हैं अन्नू और मैं। हाँ, घर में मेहमान आए थे, सासू माँ चली गई रिश्तेदारी में और अब मेहमान चले गए आ गई हैं। और क्या क्या लेके आई हूँ निकी जानू मैं कुनो यही होने उनके कौन तना रहो छे केना कुनो छे ये क्या लाए हो? अच्छा गोभी मटर और आज तो कीनू लाई है। बाबू कीनू तेरे लिए चा बनो चाय बनो एक का गुच्छी। अन्नू आमा आ गई, बैठ ना आमा। आमा आ गई देखिए मीठा ला रही चीन मीठा है मीठा मीठा होय गाड़े थे देखा थे वाला दिन ची होय बट मीठा दीदी ना पे पे देखा थे वाला केरम लागन हम उठ के ना लागना यू मीठा छे कौन है रे होय खा मिठाई ना। तो अभी जाने हमें दुकान में, सासुमा का मन है कि आज हम गाजर का हलवा खाएं क्योंकि आज जो हमारे डेयरी में दूध है ना वो गया ही नहीं, मतलब गया जाता मम्मी देर में गई ना तो वापस आया दूध। तो दुकान से लाके मैंने ना अपने मैंने ना गाजर भी कद्दूकस कर लिए हैं ये देखो, और अब सासुमा के लिए बनेगा गाजर का हलवा। आज डेयरी में दूध नहीं गया तो आज गाजर का हलवा ही बनाएंगे। मम्मी लाई है मार्केट से ये बंद क्या कहते हैं इसको फूल गोभी मटर की सब्जी, जल्दी से सब्जी भी काट लेती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ और अनाया को दिखाती हूँ उसकी मौसी का लाया हुआ गिफ्ट, वो बहुत अच्छे से खेल रही है उसके साथ। ये देखो इसने सारा सामान जो है पैकेट में से निकालवा लिया है और अभी खेल रही है इनसे। ये पता नहीं चाय से बेटा ये देखिए ये चाय पियो थैंक यू मौसी बोल थैंक यू। इसको बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, खेल रही है उस टाइम से। दागड़ियो जल्दी से आओ और गाजर का हलवा खा लो। देखो मैंने बना दिया है, अब इसको सुखा रही हूँ इसका दूध जितना भी है। और यहाँ पे बन गया गोभी की सब्जी और ये दूध भाई सही टाइम पे नज़र पड़ गई इस दूध में वरना सब उबाल जाता अभी। थैंक यू दोस्तों आप लोग की बदौलत पता चल गया कि दूध रखा है। मम्मी बना रही है रोटी और क्या कौसमान है असल आपने काम कर रहे थे उठ गए रोटी बन रही है और वहाँ पे देखो ये तवे में रखी रोटी वो छास वो क्या है सबसे उधर उधर वाली कढ़ाई में क्या है बना रहा क्या जी बना रहा नहीं जाता है जाता है गैस बर्बाद कर रहा है बिना तुम तो खीर बना कुन्ने चाह खीर बनो ना चल गैस काल थोड़ी मुंह में का सुनो जब ले मैं हल्लू बनाए तुम खाऊ तुम कटो चाटी दीछा मेरे रून तक है चला कला लाख रूपये खीर स्वाद रहो दोस्तों मेरी सासू माँ कुछ भी कहे ना टेस्टी हो रहा है हलवा अच्छा मस्त हो रहा है। दो घंटे पकाया गैस में गैस भी खत्म हो गई लास्ट में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहना जुड़े रहना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे जय सीता मैया की गाजर का हलवा जय करते चलिए।